नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी। और फाइनली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो SSC है उसने उसकी वेरियस एग्जामिनेशन के लिए एक टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल लॉन्च कर दिया है, उसकी डेट्स लॉन्च कर दी है। तो चलिए जानते हैं। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हैज़ रिव्यूड ऑन 1 जून 2020, यानी 1 जून 2020 को इन्होंने रिव्यू किया द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक विथ व्यू टू रीशेड्यूलिंग इट्स पेंडिंग एग्जामिनेशन। उनको रीशेड्यूल करना था, उनकी पेंडिंग एग्जामिनेशन काफ़ी सारी थी। टेकिंग इन टू अकाउंट द ओवरऑल सिचुएशन इट हैज़ बिन डिसाइडेड टू अनाउंस टेंटेटिव डेट्स ऑफ फॉलोइंग एग्जामिनेशन। ये कौन सी डेट्स है? टेंटेटिव डेट्स है, ये एक फिक्स डेट्स नहीं है। बट हाँ, मोस्ट प्रोबेबली इस डेट पे अगर आगे चल के कोई केसेस या फिर कोई महामारी इतना ज़्यादा रौद्र स्वरूप ना ले ले तो ये डेट्स पे एग्जाम हो ही जाएगी। बट अगर सिचुएशन और बदतर हो जाएगी तो ये टेंटेटिव डेट्स है, तो इट मे बी ऑल्सो चेंज्ड। ठीक है, तो ये टेंटेटिव है तो मतलब 90% ये समझ लो कि इस डेट पे हो जाएगी एग्जाम विथ प्रोटेक्शन। बट फिर ना हो पाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी डेट्स हमें दी है। जैसा कि सबसे पहला हमें दिया है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी 10+2 की एग्जामिनेशन 2019 का Tier 1, यानी SSC CHSL की Tier 1 के एग्जाम जो थी 2019 की, वो फॉर लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स। किसके लिए है? फॉर लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स मतलब जिन कैंडिडेट्स की हो गई है उनकी दोबारा नहीं होगी, जिनकी बाकी है उनके लिए ही बात है ये। तो SSC CHSL Tier 1 2019, दोज कैंडिडेट जिनकी बाकी है उनके एग्जाम शेड्यूल की गई है 17 अगस्त 2020 से लेके 21 अगस्त 2020 और 24 अगस्त 2020 से लेके 27 अगस्त 2020 के बीच में। ठीक है, तो ये डेट्स आपको पता चल गई, यानी अगस्त के मिड के बाद, यानी आधा अगस्त खत्म हो जाने के बाद ये एग्ज़ाम रखी गई है। दूसरी एग्ज़ाम जो जूनियर इंजीनियर्स के लिए फेमस है, जैसे कि सिविल, जूनियर इंजीनियर्स में सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स है, उस एग्जामिनेशन का Paper 1 जो 2019 की एग्ज़ाम थी उसका जो Paper 1 होने वाला था वो शेड्यूल की गई है 1 सितंबर है, 9 यानी सितंबर से लेके 4 सितंबर 2020 के बीच में। ठीक है, तो CHSL 17 अगस्त से लेके 27 अगस्त के बीच में और जूनियर इंजीनियर 1 सितंबर से लेके 4 सितंबर के बीच में। फिर क्या है? थर्ड पोस्ट सिलेक्शन ऑफ पोस्ट एग्जामिनेशन 2020 Phase 8। ठीक है, Phase 8 का सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन बाकी है 2020 का, तो वो होगा 7 सितंबर से लेके 9 सितंबर के बीच में। और स्टेनोग्राफर ग्रेड C&D की एग्जामिनेशन 2019 वाली वो होगी 10 सितंबर से लेके 12 सितंबर के बीच में। और फिफ्थ है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड CAPF एग्जामिनेशन का Paper 1 2020 का, कौन सी? सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड CAPF एग्जामिनेशन Paper 1 2020 वो होगी 29 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक के बीच में। और 5 अक्टूबर की डेट भी रिजर्व की है उन्होंने। ठीक है, आगे चल के देखते हैं छठी एग्जामिनेशन जिसका है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड हिंदी प्राध्यापक एग्जामिनेशन का Paper 1 2020 की एग्जाम होगी 6 अक्टूबर 2020 और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन Tier 2 की होगी 2019 की, यानी CGL 2019 का Tier 2 होगा 14 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेंशन किया है द अबोव शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू ड्यू प्रिवेलिंग कंडीशंस एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस इश्यूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम रिगार्डिंग हैंडलिंग ऑफ द COVID-19 पेंडेमिक। मैंने जैसा इनिशियल बताया ये टेंटेटिव शेड्यूल है, मतलब ये मतलब कंडीशन जो है वो अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक चलती रहे तभी तक है। मतलब अगर गवर्नमेंट आगे चल के कोई और कर्फ्यू लागू करती है और एग्जाम के में मुसीबत बाधाएं आ सकती है तो तब क्या, तब देखा जाएगा। बट सिचुएशन अभी थोड़ी अच्छी हो रही है तो उस हिसाब से हम एग्जाम कर लेंगे। ठीक है, कंडक्ट और द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट फ्रॉम द कमीशन एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर फर्दर अपडेट्स। सभी कैंडिडेट को वेबसाइट विजिट करते रहना है फर्दर अपडेट के लिए। ठीक है, ये कब रिलीज हुआ? 1
जून 2020 को रिलीज हुआ है। तो आप सब रेडी हो जाओ क्योंकि एग्जाम हो जाएगी। अगर लॉकडाउन अनलॉक वन हो चुका है तो अनलॉक टू अनलॉक थ्री भी आ जाएगा और आपको छूट छाट मिलने के साथ साथ प्रोटेक्शन के साथ आपको कोरोना के साथ तो जीना ही है, तो आपको बच के एग्ज़ाम तो देनी ही पड़ेगी। तो एग्ज़ाम्स के लिए रेडी हो जाओ CGL वाले CHSL वाले। सबसे पहले शुरुआत हो रही है CHSL, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।